गांव छत्र में 2 तारीख को एक लड़की का अपहरण किया गया उसके घर से ही, और उस मामले में जो पीड़ित लड़की का जो चाचा है उसने तुरंत 112 नंबर पर कॉल करके सारे मामले को पुलिस से अपडेट करवाया था। 112 नंबर गाड़ी गांव में पहुंची थी, उसके बयान लिए गए थे, फिर उसको उचाणा थाना में लेके आया गया। उसने सारा मामला आईओ के संज्ञान में डाल दिया कि भाई इस तरह फलाने फलाने लड़कों ने, भाई ने उन लड़कों के नाम, उनकी जातियाँ बताई कि इन लड़कों ने मेरी भतीजी को घर से उठा लिया है। और पुलिस ने जानबूझ करके अपहरण का मामला दर्ज करने की बजाय 346 के गुमशुदगी का मामला दर्ज कर दिया, और गुमशुदगी का मामला दर्ज करके उल्टे पीड़ित के चाचा को धमकाया गया कि जाके अपनी रिश्तेदारी हम तलाश ले लड़की को, दाएं बाएं पड़ोस में तलाश ले लड़की को जाके, और ये कहा कि अभी डिप्टी सीएम हरियाणा प्रदेश के जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उनके दौरे चले हुए उचाणा विधानसभा में, पुलिस को अभी कोई टाइम नहीं है, पुलिस उनके साथ बिजी है, आप अपनी लड़की को दाएं बाएं तलाशो इतने जाकर। वो उसको एक अनपढ़ आदमी था, उसको ये नहीं पता था कि इन्होंने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है, अपहरण का मामला दर्ज कराया है। 3 दिन तक पीड़ित लड़की का चाचा और उसके परिवार के लोग थाने में चक्कर काटते रहे और पुलिस डिप्टी सीएम की आवभगत में लगी रही। तब जाकर के जब 5 तारीख को हमारे संज्ञान में मामला आया तो हमने जाकर के लड़की के चाचा के दोबारा से इस मामले में बयान दर्ज करवाई, जो भी एक्चुअल स्टोरी थी कि कैसे कैसे इसके साथ हुआ। 1 तारीख को लड़की का जो चाचा उसके साथ आरोपियों का झगड़ा हुआ था, जो लड़के भाई ने इस मामले में अपहरण करने वाले लड़के हैं उनके साथ झगड़ा हुआ था, वो गली में खड़े होकर के अनाप शनाप गाड़ियाँ दे रहे थे और ऊंची ऊंची आवाज़ में गंदा बोल रहे थे, तो लड़की के चाचा ने जाके इसका विरोध किया था कि आप हमारे घर के सामने खड़े हो गए, ऐसे गाली गलौज मत करो। उसी बात को लेकर उन्होंने लड़की के चाचा को उसी दिन 1 तारीख को रात को ही धमकी दी थी कि आपकी लड़की को उठा के लेके जाएंगे, और नेक्स्ट डे उन लड़कों ने इतना बड़ा काम कर भी दिया और वो 2 तारीख को लड़की को उठा के लेकर चले गए, और पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज कर रही है। इस मामले में दुष्यंत की आवभगत में लगी है, दुष्यंत के वहाँ पर दौरे चले हुए हैं। तब जाकर के 5 तारीख को लड़की के चाचा के दोबारा से सारे बयान दर्ज करवाएगी, पूरी कहानी उनको बताएगी। उसके बावजूद भी आज तक 5 तारीख के बाद, आज 8 तारीख होगी, अभी तक लड़की का कोई सुराग नहीं है, ना ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। और जो लड़की के चाचा ने बताया था कि गांव में किन लोगों ने उनकी हेल्प की है, जो लड़की में जब मेरी भतीजी को उठाया गया था किन किन लड़कों ने उसकी हेल्प की है, अभी तक पुलिस ने उन लड़कों को भी नहीं उठाया है। और अब ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपनी लड़की की तलाश के लिए। कल भी एसपी साहब से यहाँ मिलकर गए थे, एक आश्वासन यहाँ से लेके गए थे कि भैया आपकी लड़की को ढूंढ दिया जाएगा, जल्दी इसको बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो गाँव के जो दो लड़के हैं जो गाँव में ही है उन लड़कों को अभी तक पुलिस ने इंटरोगेट नहीं किया है। अभी तक जब पटियाला से पुलिस दूसरे लड़कों को उठा के इंटरोगेट कर सकती है, तो जो लड़के के चाचा ने अपने बयान में 2 लड़कों के नाम ले रखे उन लड़कों को क्यों नहीं पुलिस उठा रही? और आज फिर ये लोग दोबारा, जो कल इनको आश्वासन मिला था कि लड़की को बरामद कर लिया जाएगा, अब वो आश्वासन की जो समय सीमा थी वह सुबह तक खत्म हो ली थी, अभी तक लड़की का कोई सुराग नहीं है। तो आज पूरा मांगू मोल है कि लोग आज फिर यहाँ पर इकट्ठा हुए और आते ही पुलिस ने